तो फिर एक बार देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन्स के लिए मैकेनिज्म, कैसे एल्कोहल अनसिमेट्रिकल एल्किन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं हम लोग, तो देखते हैं। सेकंड इसका पार्ट है, ये आपका रहा ऐसा कुछ। इसका हम अगर हाइड्रेशन करवाते हैं, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं, देखो एच प्लस के इन प्रेजेंस में तो होगा क्या, हम लोग जानते हैं ओ एच यहाँ अटैच होगा और एच यहाँ अटैच होगा, क्योंकि रूल्स है मार्कोनिक आपका रूल्स, मार्कोनिक महोदय के अनुसार मार्कोनिक बताए कि ओ एच ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम, तो यहाँ पे जुड़ेगा। ऑलरेडी बनने वाला आपका क्या है, सी एच थ्री, सी एच ओ एच और आपका सी एच थ्री। तो इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में वही होगा जो उस बार हुआ था, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन। स्टेप फर्स्ट में हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन होगा, तो होगा क्या आपका वो ओ एच एच एंड एच और प्लस आ जाएगा, इसके कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, हम अनसिमेट्रिकल एल्किन्स लेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्किन्स और आपका ये रहा हाइड्रोनियम आयन, ये रहा आपका हाइड्रोनियम आयन। अब हम हाइड्रोनियम आयन का पुनः रिएक्ट करवाते हैं, देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। होगा ये कि यहाँ पे दो स्टेप पॉसिबल हो सकते हैं। स्टेप नंबर एक ये कि अगर ये वाला कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले ले अपने ऊपर पॉजिटिव रख, अपने ऊपर निगेटिव रखे और ये वाला दिया कार्बन वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला दिया, इस पर आपका पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारा क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन लिया तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव रखेगा, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव चार्ज जुड़ेगा, अगर यहाँ जाकर अटैच होता है तो ये वाला आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यानी आपका बना सी एच थ्री, सी एच पे पॉजिटिव और सिंगल बॉन्डेड सी एच टू और इससे आके है एच जुड़ा, यानी टू था तो अब होगा आपका थ्री और है एच टू आपका, ऐसा कुछ बन गया ये, सॉरी सॉरी ये ऐसा। अब देखते हैं या फिर इसका एक और रिएक्शन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, एक ये होगा और इसका एक और रिएक्शन हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वह इनका इलेक्ट्रॉन ले ले तो लेगा तो आपकी बार इन पे माइनस होगा, इन पे प्लस होगा, तो अब की बार हाइड्रोजन कहाँ जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन ये तो पॉजिटिव बनेगा इसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन इस बार यहाँ जुड़ने वाला है सेकेंडरी कार्बन पर, तो सी एच थ्री सी एच टू हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड सी एच टू आपकी बार प्लस आया इस पे, तो ये सेकेंडरी पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे प्राइमरी पॉजिटिव चार्ज है और आपका ये भी रिलीज होगा ऐसा कुछ। लेकिन देखें सभी लोग, ये आपका सेकेंडरी कार्बो का अटैन, ये आपका प्राइमरी कार्बो का अटैन, तो हम लोगों को जानना चाहिए कि जो सेकेंडरी कार्बो का अटैन होता है वह प्राइमरी कार्बोकैटायन से स्ट्रांग होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन समझ जाइए, मार्कोनिक आप रूल से रिलेटेड है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन से स्ट्रांग होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन को हम प्रोबेबिलिटी ज्यादा देंगे, मतलब इसको हम चाहे कोशिश करेंगे इसको प्राथमिकता ज्यादा मिले, यानी ज्यादा चांसेस जुड़ने के इसके हैं, तो हम लोग इसको ना उतना परफेक्ट मान के इसको परफेक्ट मान के चलते हैं। स्टेप नंबर थर्ड पे ले लेंगे हम लोग सी एच थ्री, सी एच और सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज इस पे है, आपका वाटर रहा जिसके पास दो लोन पेयर होते ही हैं सब लोग जानते हैं, तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के पास आया, कहा कि भैया आपके पास दो लोन पेयर हैं, दो भाई दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर के साथ हमें आप इलेक्ट्रॉन दीजिए और हम आपके साथ सिंगल बॉन्डेड रहना चाहते हैं, तो जल भी तैयार हुआ और आपका कुछ ऐसा बना ओ, इसके पास एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर बचा और एक लोन पेयर बॉन्डिंग में हो गया और आपका सी एच थ्री। स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और यहाँ पे आपका एच एच और लोन पेयर है, देखते हैं यहाँ पे वही बात है, आप चाहें तो फिर एक बार वाटर से रिएक्ट करवा सकते हैं या फिर हाइड्रोजन को बाहर भी निकाल सकते हैं, वह भी मैकेनिज्म आपकी सही मानी जाएगी, दोनों परफेक्ट है, ये थोड़ा ज्यादा परफेक्ट वो भी परफेक्ट ही है। देखें
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया तो इस पे पॉजिटिव आया, तो ये आया इससे जुड़ गया, हाइड्रोनियम आयन बनाया और आपका CH3COH और आपका CH3, ये आपका रहा सेकेंडरी अल्कोहल 1, 2, 3 यानी प्रोपेन टू ऑल और आपका बना हाइड्रोनियम आयन। ये हम लोगों को बना था, या फिर इस स्टेप को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर आइए ना लें केवल आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजन रिलीज होगा तो आप केवल इतना कहते हैं CH3COH और CH3 और H+ रिलीज। आपका यह भी हो सकता है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, दोनों सत्य हैं, लेकिन हाइड्रोनियम आयन वाला बनाएंगे, मतलब ये वाला रिएक्शन दिखाएंगे, थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको परीक्षा की दृष्टि से। ये ऐसा कुछ यहाँ पॉजिटिव आया, लोन पेयर साथ अटैच हुआ, यानी CH3COH और आपका CH3 रहा और हाइड्रोनियम आयन आप यहाँ पे रिलीज हुआ प्लस, ये आपको बना। हम आशा करते हैं सबको दोनों मैकेनिज्म समझ में आई होगी, इसके पहले वाले वीडियो की और इस वीडियो के भी। इसमें जो भी आपको नई बात समझ में आएगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फिर एक बार हम आपको समझा देंगे अगर किसी को इसमें बात जो भी नहीं समझ में आई होगी। और सभी लोग कमेंट जरूर दें, कमेंट देंगे तो हम जानेंगे ना इसमें क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रहा है। धन्यवाद।